देखिए, आप लोग जानते हैं कि ब्लॉक दिवस एक हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्टीट्यूशन एक डेवलप हो गया हुआ है। हर बुधवार में ब्लॉक दिवस किया जाता है, जहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स आके लोगों से मिलते हैं और उनकी जो दिक्कतें हैं उनको ऑन स्पॉट रिड्यूशन की कोशिश करते हैं। तो सांबा जिला में 3 जगहों पर ये ब्लॉक दिवस किए जाते हैं। यहाँ पे जो आज सुचैनी में ब्लॉक दिवस किया गया, इसमें मैं और एसएसपी साहब हम दोनों ने ये अटेंड किया है। हमने इसमें 2 खास बातें इस बार ऐड की हैं ताकि ये जो इंस्टीट्यूशन है ब्लॉक दिवस की, ये और स्ट्रेंथन हो जाए। एक तो हमने इसमें जो अभी आपको मालूम होगा कि सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑनलाइन किया गया है। तो सारा जो डाटा है रिकॉर्ड्स का वो ऑनलाइन अवेलेबल है पोर्टल पर, जिसको हम अपनी ज़मीन अपनी निगरानी के नाम से जानते हैं। तो हमने आज यहाँ पे ये LED की सुविधा यहाँ पे देके तो यहाँ पे लोगों को ये डेमोंस्ट्रेट किया कैसे वो अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं। वो पूरा यहाँ पे कुछ लोगों के खसरा नंबर्स उनसे पूछ के तो उनको दिखाया गया, उनके रिकॉर्ड यहाँ पे आज हमने उनको दिखाए हैं। तो ये एक पहल आज हमने आज से ही शुरू की है। वैसे सरकार की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि इसको पूरा लोगों में बताया जाए, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की जाए। इसका एक कैलेंडर भी इशू हुआ है और उसमें हम हर जगह ये जो सुविधा है ये उपलब्ध करवाएंगे लोगों को, और लोगों को ये बताएंगे कि वो खुद से भी अपने मोबाइल पे या अपनी उनके पास अगर कंप्यूटर है उस पर वो देख सकते हैं, ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। दूसरा, हमने जो खास बात आज की है उस पर हमने ये किया है कि जैसे हमारे पास दफ्तर में जो पब्लिक हियरिंग में केसेस आते हैं उन केसेस का हमने अपने पास एक रिकॉर्ड रखा होता है, लेकिन कई बार उसमें उनका रिड्रेसल क्या हुआ हमें बाद में फॉलो अप नहीं हो पाता है। तो हमने इस बार कुछ केसेस को यहाँ पे ही बुला लिया फ़ोन करके, उन जिनकी ग्रीवेंसेस थी और यहाँ सारे अफसर मौजूद थे, तो ऑन स्पॉट हमने उनका रिड्रेसल किया। तो इस तरह से हमारी कोशिश ये रहेगी कि ब्लॉक दिवस की जो एक प्रथा बन गई है, एक जो इंस्टीट्यूशन बन गया है, इसको हम यूज़ करें और सरकार की जो अलग अलग स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को बताएं और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके डोर स्टेप पे ही उनका समाधान भी हम देने की कोशिश करें। मैम, यहाँ के जो एक स्थानीय सरपंच हैं, DDC चेयरमैन हैं, उनका एक आरोप है कि उनको अनदेखा किया जा रहा है, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनको बुलाया नहीं जाता है, कहीं भी अगर मीटिंग हो तो उनकी नेम प्लेट से नाम हटाया जाता है, क्या कहें? नहीं, मेरे पास तो ऐसा कोई, उन्होंने ना तो मेरे साथ बात की है ना ही मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेंट आई है। बाकी वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका हम बहुत इज्जत करते हैं और मैं तो पर्सनली हर एक जो BDC चेयरमैन है या BDC मेंबर्स हैं उनके साथ तो मैं खुद मेरी बात होती रहती है, तो मैं अवेलेबल रहती हूँ हमेशा जो भी किसी की दिक्कत हो मेरे से डिस्कस करने के लिए। हम लोग तो उनकी साझेदारी से ही सारे काम कर रहे हैं, तो मेरे पास ऐसा कोई किसी ने कहा नहीं है। प्रेस वार्ता भी की है इसको लेकर? मुझे अभी तक मालूम नहीं है। उस प्रेस वार्ता में बहुत से पेंचेस और सरपंच और चेयरमैन भी शामिल थे कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो ये ब्लॉक दिवस था, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं अभी कि यहाँ पे कितनी भीड़ है, आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉक दिवस में कितने लोग आए हैं, और आपने ये भी देखा कि यहाँ पे हमने कितने सारे लोगों को जो अपनी ज़मीन अपनी निगरानी का जो पोर्टल है वो हमने दिखाया। आपने ये भी देखा कि हमने बहुत सारे लोगों की जो समस्याएं थी ऑन स्पॉट हमने उनका रिड्रेसल किया। तो अगर वो लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं या नहीं आ पाए हैं उसमें मैं ज़रूर पता करूँगी कि ऐसी क्या वजह हो गई कि वो यहाँ पे नहीं आए, बल्कि यहाँ आते ही पहुँचते ही मैंने पहले सरपंच के लिए पूछा, BDC चेयरमैन के लिए पूछा, तो ज़रूर उनको ये मैसेज गया होगा वो क्यों नहीं आ पाए। मैं उनसे बात करूँगी, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हमारे लिए सब लोग बहुत रिस्पेक्टेबल हैं और उनकी जो भी दिक्कतें होंगी मैं उनसे पर्सनली बात करके तो उनको एड्रेस करेंगे। मैम, अगला क्वेश्चन मेरा रोड के हवाले से है। यहाँ से 20-25 गांव जुड़े हुए हैं, संस्कार के लिए जाते हैं प्रमंडल, लेकिन मैम बहुत सी अप्रोच की जाती है, एक्सीएन चीफ तक उनकी लोग अप्रोच करते हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, जो जेई साहबान है या एक्सीएन है वो फोन तक नहीं पिक करते हैं, तो उस रोड का मैम कुछ किया जाए, हम यही आपसे अपील करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपने अभी आके यहाँ ज्वाइन किया या नहीं, बट मैं पहले वही देखने गई थी, मैंने यहाँ पे कुछ स्पॉट्स देखे हैं आने से पहले वही देखे हैं और उन पे बहुत डिटेल डिस्कशन यहाँ पे हुई है, और ये जो आपने पर्टिकुलरली रोड बोला है उसके लिए मैंने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से फ़ोन पे भी बात की और वो अपने चीफ इंजीनियर ऑफिस में चेक करेंगे कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो सकती है और इनकी फंडिंग हम करवाने की कोशिश करेंगे। ये वाला रोड जो है, ये वाला स्ट्रेच है, ये अभी किसी प्लान में नहीं है, बट हम इसको
इंक्लूड करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़रूरत है उस जगह पे, मैंने खुद देखा है, और उसको प्रायोरिटी पे हम किसी न किसी प्लान में डलवा के उसकी फंडिंग करवा के वो काम करवाएंगे। थैंक यू।